नमस्ते बच्चों, ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अगले टॉपिक्स के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, कॉम्पोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को कैसे क्लासीफाई किया गया, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी। हमारे ट्वेल्थ के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, और आज की क्लास में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए या सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करने के लिए अलग अलग जो यूनिट्स का यूज़ करते हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले शुरू करते हैं। अब देखो, बाइनरी सॉल्यूशन दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है। बाइनरी सॉल्यूशन जो है ये दो दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब बच्चा पूछता है कि सर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का वह कॉम्पोनेंट जिसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होता है, मतलब सॉल्यूशन का वह कॉम्पोनेंट जो लिस्ट अमाउंट में पाया जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और सॉल्यूशन का वह कॉम्पोनेंट जिसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही मेजर करने के लिए हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यूनिट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक आप देख लो, यूनिट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करने के लिए कौन कौन से यूनिट का यूज किया जाता है, तो इसमें दो टाइप के यूनिट्स होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल यूनिट और दूसरा होता है आपका केमिकल यूनिट। बच्चों देखिए, फिजिकल यूनिट में जो सबसे पहला हम पढ़ते हैं इसको कहा जाता है ग्राम पर लीटर, इसी को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है, या इसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आप पढ़ेंगे वो है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को परसेंटेज W बाई W से इंडिकेट करते हैं। तीसरा है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को परसेंटेज वी बाई वी से इंडिकेट किया जाता है। और चौथा जो आपका फिजिकल यूनिट है ये है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको डिनोट किया जाता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी से। तो ये जो चार आप देख रहे हो, ग्राम पर लीटर, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो ये चारों के चारों फिजिकल यूनिट होते हैं। ठीक है, इसके बाद केमिकल यूनिट में आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, सबसे फर्स्ट चैप्टर में। इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा पढ़ने के लिए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कि कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। दूसरा है आपका मोलैरिटी स्मॉल एम। तीसरा है आपका मोल फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग काई या जीटा से डिनोट करते हैं। चौथा है आपका पार्ट्स पर मिलियन, जिसको कि पी पी एम से डिनोट किया जाता है। इसके बाद पांचवा है आपका नॉर्मैलिटी, कैपिटल एन, और छठा है आपका फॉर्मैलिटी, कैपिटल एफ। देखिए बच्चों, तो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है उनको हम मेजर करने के लिए इन्हीं यूनिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, ग्राम पर लीटर, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी। हम आपको छोटे छोटे क्लिप्स में हर एक टॉपिक का पार्टिकुलर वीडियो बना करके आपको दे देंगे, आप उसको यूज करके अच्छे से पढ़ लेना इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो आज का जो क्लास है इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से।
उसके बाद फिर हम ग्राम पर लीटर स्टार्ट करते हैं, जिसको कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इनको नोट कर लीजिए आप लोग। देखो क्या है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन कहो या स्ट्रेंथ कहो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी सॉल्यूशन के एक लीटर में या किसी सॉल्यूशन के 1000 मिलीलीटर में या किसी सॉल्यूशन के 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में सॉल्यूट का जो ग्राम प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है, वो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहलाता है या उसी को सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इसके लिए आप लिखिएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, किसी भी, मान लीजिए कि आपके पास शरबत है, तो 1 लीटर शरबत में चीनी का कितना ग्राम प्रेजेंट है, ये आपको उस शरबत के स्ट्रेंथ को बताएगा, ठीक है। यानी तुम यहां से क्या लिख सकते हो, अच्छा एक और चीज, इसको ग्राम पर लीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो यहां लिख देना इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। यानी यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से ये लिखा जा सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, सॉल्यूट का ग्राम में अमाउंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का लीटर में वॉल्यूम। या फिर यह भी लिखा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 जाएगा ऊपर, यानी यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये भी तुम्हारा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यही है आपका सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म, जिसको कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या ग्राम पर लीटर कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, जितना भी मात्रा प्रेजेंट होता है ग्राम में, इसी को कहा जाता है ग्राम पर लीटर, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लो, इस पर हम एक न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं, या फिर आप किस टाइप का क्वेश्चन देगा वो आपको बता देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में मान लीजिए कि 5 ग्राम C6H12O6 प्रेजेंट है, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट होता है ना, इसी को कहते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहां से अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ बाबू कंसंट्रेशन ऑफ C6H12O6 या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो तुम यहां से क्या लिखोगे, 5 ग्राम पर लीटर, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो
यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास 10 लीटर सॉल्यूशन है, 10 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें 200 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। 10 लीटर सॉल्यूशन में 200 ग्राम NaCl है, तो यहाँ से हम तुमसे पूछे कि बताओ जी इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से अमाउंट है तुम्हारा 200 ग्राम, वॉल्यूम है 10 लीटर, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो 20 ग्राम पर लीटर, एक लीटर में इसका 20 ग्राम प्रेजेंट होगा, इसी को सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, और भी देख लो, मान लो इस टाइप से दिया हुआ है कि आपके पास 200 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें 5000 केजी आपका क्या है सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉरी 5000 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 5000 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो तुमसे पूछा कि इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो तुम इसको लिख सकते हो 5000 / 200, ये कट गया, यानी हम लिख सकते हैं 25 ग्राम पर लीटर। तो यही है तुम्हारा सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है कंसंट्रेशन से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को लिख लेना कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 in 200 milliliter of solution, यानी सॉल्यूशन आपका 200 ml है और ग्लूकोज का जो वेट है या मास है वो कितना ग्राम है बाबू, 5 ग्राम है। तो यहां से तुम क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए अभी आपको बताया कि ऊपर में लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये मिलीलीटर में दिया हुआ है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, एक्चुअल में हम 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर में चेंज करते हैं, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख देना 5 / 200 ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किए हो, ये गया 5 times में, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 25 ग्राम पर लीटर। तो ये है आपका कंसेंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के पर वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट होता है, इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज क्या चीज है, देखो आप लोग भी सारे टॉपिक्स को अच्छे से लिखते जाएं, इसका नोट्स बना लें, ये काफी काम आएगा आपको। ठीक है, अब देखो बाबू, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मास परसेंटेज को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, परसेंटेज W/W। देखो यहां पे जो ऊपर वाला W लिखा हुआ है ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए होता है, और नीचे वाला जो W है ये पूरे सॉल्यूशन के मास को इंडिकेट करता है, और परसेंट का मतलब पर 100 in 100। ठीक है, तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे, इसके लिए लिख लेना, ये बताता है वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम, और नीचे वाला क्या बताता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, और ये चीज हम कहां देखते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग 100% में, यानी 100% सॉल्यूशन में,
100% सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के कितना ग्राम प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे बाबू? तो इसको डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और इसी को कहा जाता है मास परसेंटेज। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये आपके पास b ग्राम एक सॉल्यूशन है और इस b ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है बाबू। तो हम तुमसे पूछे कि बताओ जी यहां पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा और यहां पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। हम आपसे दोनों चीज पूछ दिए हैं, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और आपसे हम पूछे हैं कि इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट का गिवन मास पर परसेंटेज कितना होगा और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना परसेंट आएगा। तो तुम देखो बाबू, तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सिंस बी ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, ए ग्राम, बी ग्राम सॉल्यूशन में अगर ए ग्राम सॉल्यूट है तो उस हिसाब से एक ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा क्या हो जाएगा, ए बाई बी ग्राम। आप यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे कि अगर 5 रुपए में 10 बिस्किट मिलते हैं तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे, 10/5 दो बिस्किट। यानी अगर बी ग्राम सॉल्यूशन में ए ग्राम सॉल्यूट तो 1 ग्राम में बी को डिवाइड कर दिए। तो इसमें यहाँ सॉल्यूट होगा, सॉरी यहाँ सॉल्यूशन लिख दिए हैं, यहाँ सॉल्यूट होगा तो ए बाई बी ग्राम सॉल्यूट होगा। और हमको देखना कितने के लिए है भाई, 100 ग्राम के लिए, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास देखो। तो यहाँ से अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन की हम बात करें तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ए बाई बी इंटू 100 ग्राम सॉल्यूट। और ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो कंसेंट्रेशन है या मात्रा जो है, इसी को मास परसेंटेज कहा जाता है। यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये क्या है सॉल्यूट का मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, बाई नीचे में बी, बी क्या है मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, यही मेरा हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये होता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन से मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो यहां से तुमसे कोई पूछे कि बताओ यहां से सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूट का मास परसेंटेज एक्स आ गया, टोटल 100% है तो सॉल्वेंट कितना बचा, 100 - x%। समझ में आई बात? यानी अगर तुम यहां से देखो तो इस बाइनरी सॉल्यूशन में अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट देखना हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट देखना हो तो पहले सॉल्वेंट का मास निकालो। बाइनरी सॉल्यूशन है, बी ग्राम सॉल्यूशन में ए ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना बचा, b - a ग्राम बचा। और इसमें तुम टोटल मास कितना ले रहे हो भाई, तो टोटल सॉल्यूशन का मास बी है तो सॉल्यूशन के मास को बी से डिवाइड करो, और परसेंटेज देखना है तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो ये जो चीज़ तुमको देगा, दिस विल बी द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। या फिर तुम ये भी काम कर सकते हो कि भैया सॉल्यूट का जितना मास परसेंटेज आ जाएगा तो वहां तुम 100 में से अगर उसको घटा दोगे तो वो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज दे देगा। यानी यहां से ये भी लिखा जा सकता है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 - मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर आप इस चीज को भी लिखते हैं तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अच्छा मान लो अभी तो ये केस था कि भैया सॉल्यूट और सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे दे और तुमसे पूछे कि दोनों का मास परसेंटेज बताओ, तो क्या करोगे? पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद हम उसको बताते हैं। अब देखिए एक और स्पेशल केस को समझिए,
मान लीजिए कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे दिया, जैसे 1 ग्राम सॉल्यूट जो है वो आपके 20 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, और यहाँ से आपसे पूछा कि बताओ बाबू यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ निकालना होगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास परसेंटेज आपसे पूछ दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, सबसे पहले काम करोगे तुम सॉल्यूशन का मास निकालो। तो सॉल्यूशन का मास निकालोगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को तुम ऐड कर दोगे, यानी यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के मास को हम ऐड कर दिए, यानी यहां से जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी ग्राम। फिर से वही रूल लगाओ, सिंस ए प्लस बी ग्राम जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ए प्लस बी ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स ए ग्राम सॉल्यूट, यहां देखो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ए ग्राम है, तो यहां अगर ए ग्राम सॉल्यूट है तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा, लगा दीजिए यूनिटरी मेथड ए बाई ए प्लस बी ग्राम सॉल्यूट, और हमको देखना कितने के लिए 100 ग्राम में। थ्योरी क्या कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है यही उसका मास परसेंटेज होता है। तो यहां से हम निकालेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा a अपॉन a प्लस बी इंटू 100, ठीक है, ग्राम सॉल्यूट, इसी को कहा जाता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। यानी यहां से मास परसेंटेज ऑफ अगर तुम सॉल्यूट लिखते हो तो ये होगा a अपॉन a प्लस बी इंटू 100, ठीक है, ये सॉल्यूट का मास परसेंटेज हो गया। और अगर सॉल्वेंट का मास परसेंटेज देखो तो मास परसेंटेज ऑफ जो सॉल्वेंट होगा ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट बी ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना है मेरा ए प्लस बी ग्राम और इनटू 100, तो ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो दो ही केस होता है, या तो सॉल्यूट सॉल्यूशन देगा या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट देगा, और दोनों के केस में आप कैसे निकालोगे हम आपको दोनों के लिए बता दिए। अब एक एक करके इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे या फिर कुछ कुछ हायर लेवल्स के भी होंगे। तो पहले इसको आप नोट करो, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लाए हैं, हम आपको बताएंगे कि उसको बनाना कैसे है। इसको आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार यहां से भी लिख लीजिएगा, एक बार खुद से भी बना लीजिएगा, आपका उस पर कमांड हो जाएगा। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन है आपका कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास परसेंटेज को आइडेंटिफाई कीजिए जब 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया,
तो अभी जब हम इस वीडियो को शुरू किए थे तो आपको बताए थे कि बाइनरी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे देखो आप, 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, यानी यहाँ सॉल्यूट कौन है? बेंजीन, और सॉल्वेंट कौन है? CCl4। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले गिवेन डेटा लिख लेना, यहाँ पर सबसे पहले गिवेन डेटा लिख लेना। तो यहां से लिखना मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आपका बेंजीन है C6H6, ये दिया हुआ है 22 ग्राम। यहां से फिर आप लिखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। तो यहां से जब आप मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कीजिएगा तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम, यानी कि 144 ग्राम। सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, तो क्या दोनों का मास परसेंटेज नहीं निकल जाएगा? वेरी सिंपल, यहां से हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ C6H6, यानी बेंजीन का मास परसेंटेज। तो यहां पर लिखो मास ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किससे गुना कर देंगे? 100 से। देखो यहां पर बेंजीन का मास है 22 ग्राम डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन 144 ग्राम और इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है सॉल्व करने के बाद, ये आएगा 15.2%, 15.2%। ठीक है, अब अगर मास परसेंट बेंजीन का पता चल गया, सॉल्यूशन 100% ही है, तो यहाँ से CCl4 का भी पता चल जाएगा। यानी अगर हमको सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना हो तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 जब निकालिएगा तो यहाँ से लिखिएगा 100 माइनस कितना है ये 15.2%, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग आ जाएगा आपका 85.8%। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया रहे और आपसे मास परसेंटेज पूछे तो पहले सॉल्यूशन का मास निकालो, उसके बाद उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। यहां पर देखिए 85.8 नहीं, 84.8% होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंट। ठीक है, वहां 85.8 हम लिख दिए थे। तो ये जो सॉल्यूशन आपका बना, ये जो सामने आपका दिख रहा है, ये है मास परसेंटेज का बेस्ट क्वेश्चन। इसको नोट करो, इसके बाद तुरंत से दूसरा क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं कि कैसे हम मास परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया वॉज डिजॉल्व्ड, 6 ग्राम ऑफ यूरिया वॉज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी यूरिया यहाँ सॉल्यूट है और वाटर यहाँ सॉल्वेंट है। तो आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया एंड वाटर इन सॉल्यूशन। उस विलयन में यूरिया और वाटर का क्या मास परसेंट है, ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, देखिए यहां पर गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखो मास ऑफ सॉल्यूट। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि सॉल्यूट कौन है? तो देखिए यूरिया यहां पे क्या लिखा है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया वाज डिसॉल्वड इन 500 ग्राम। जो इन शब्द जिसके साथ लग जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसको डिसॉल्व किया गया वो सॉल्यूट होता है। तो यहां पर सॉल्यूट क्या है आपका? यूरिया है, इसका मास दिया हुआ है 6 ग्राम। यहां से लिख देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी हमारा वाटर, इसका मास है 500 ग्राम।
तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 6 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी ये हो गया 506 ग्राम। अब हमको निकालना है यूरिया का मास परसेंटेज और वाटर का मास परसेंटेज। पहले हम निकालते हैं यूरिया का, तो मास परसेंटेज ऑफ यूरिया कितना होगा, यहां लिखेंगे मास ऑफ यूरिया इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। यहां से हो जाएगा यूरिया का मास 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 500, 6 ग्राम इनटू 100, ये परसेंट में आंसर आएगा। यहां पर आ जाएगा आपका ओवरऑल वैल्यू इसका अप्रोक्सीमेटली 1.186%। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.186% इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर मान लो वाटर का मास परसेंट पूछेगा, तो मास परसेंट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे बाबू, सॉल्यूशन टोटल 100% ही है, जिसमें से आपका 1.186% यूरिया है, तो बाकी क्या बचा, बाकी सॉल्वेंट बचेगा, यानी मास परसेंट ऑफ वाटर निकालोगे तो 100 माइनस मास परसेंट ऑफ यूरिया, ये लिखेंगे 100 माइनस मास परसेंट ऑफ यूरिया, यानी यहां से हो जाएगा आपका 100 माइनस 1.186%, यानी इसका वैल्यू आएगा 98. ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, 98.824%, इसी के आसपास होना चाहिए, 814 होगा, सॉरी 814 होगा, क्योंकि 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा ना, यही होगा आपका 98.814%। तो इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं हम मास परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चंस को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम आपको एक और क्वेश्चन कराएंगे, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है आज का, हमारा लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके लिए मास परसेंटेज से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड बाय, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, ठीक है। दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है बाय मास, ये मास परसेंट आपको दिया हुआ है, तो तुमसे पूछा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया गया है, जिसमें कि एक का सॉल्यूट जो है वो 300 ग्राम का 25% है और एक का सॉल्यूट 400 ग्राम का 40% है। दोनों सॉल्यूशन से सॉल्यूट को लेकर के उसमें मिक्स किया गया, तो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बना है भैया, इसका मास परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूट का मात्रा निकालना होगा और उसके बाद सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, फिर मास परसेंटेज निकाल दो। देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां से सबसे पहले निकालो कि नेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, नेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कितना होगा। तो ये दिया है क्या, 300 ग्राम का 25% यानी 300 × 25/100 प्लस 400 ग्राम का 40% 400 × 40/100। ई गया 4 बार में, ई गया 3 बार में, 25 को 3 से गुना करो 75, ये हो जाएगा 4 को 40 से 160, यानी लगभग 60 और 70 135 ग्राम। ये क्या निकल गया, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास 135 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास निकालो, सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे भैया, 300 ग्राम ये और 400 ग्राम ये, यानी कि सॉल्यूशन का जो नेट अमाउंट है वो है आपका 700 ग्राम। तो यहां से आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा।
तो भैया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 135 ग्राम बटा मास ऑफ सॉल्यूशन 700 ग्राम अगुने 100। ई गया सात बार में, सात एकम सात, छः पैंसठ, सात नवा 63। और पॉइंट देखिए तो सात से 13 को डिवाइड किए तो एक बार में बचा 6, 5 65, 7 नवा 63 बचा 2, 0, 7 तिया 21, नहीं 7 दूनी 14, फिर से 6, 0, 7 नवा 63 नहीं होता, 7 8 56, ये आ जाएगा 19.28%, 19.28%। तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज नए वाले सॉल्यूशन में इतना होगा, तो यहाँ से आप निकाल दो भैया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100 माइनस 19.28%, यानी इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा आप हमको बताइए, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और मास परसेंटेज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी सिकवा शिकायत है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और सीक्वेंसली जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप सीक्वेंस में नोट्स जरूर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।